सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एक विशेष वर्ग की पीड़ा दर्शाती फिल्म द हंड्रेड बर्ग्स के गाने का रिकॉर्डिंग अंधेरी मीट ब्रदर्स स्टूडियो में हुआ। इस अवसर पर फिल्म के संगीतकार इंद्राणी भट्टाचार्य मौजूद रही। साथ ही इस फिल्म से अपना डेब्यूट कर रही अभिनेत्री कविता जैन भी मौजूद रही। नारी केंद्रित संवेदनशील विषय के आधार पर ये फिल्म है जिसमें से बहुत ही खूबसूरत ऐसा रोमांटिक गाना रिकॉर्ड हो रहा है। आने वाले दिनों में इस फिल्म का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा। आज यहाँ लीड प्रोसेस स्टूडियो में हम लोग अपनी द हंड्रेड बक्स फिल्म के गाने का एक फाइनल डबिंग है आज, और इस गाने की जो कंपोजर हैं वो इंद्राणी भट्टाचार्य जी हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना उन्होंने बनाया। मेरी फिल्म में वो दो गाने कर रहे हैं और इस गाने को हम लोगों ने करीब एक महीना लगा इस गाने को तैयार करने में, तो आज बड़ी खूबसूरत डबिंग थी हम लोगों ने इस गाने। ये अब ये तो फिल्म देखेंगे तो अच्छा लगेगी, बट डेफिनेटली इट्स अ सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग, तो मेरे ख्याल से फिल्म के एंड में आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये जो सॉन्ग है, मतलब जितना सिंपल सॉन्ग होता है उतना ही गाने में मतलब परेशानी उसमें ही है। मुर्कियाँ बहुत अच्छे से गाया जा सकता है जल्दी, बट जितना सिंपल सीधा लाइन गाना बहुत टफ होता है। और दुष्यंत जी ने वो गा दिया है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उनको भी ये दिक्कत होती है सिंपल गाना, तो उन्होंने गाया। अभी परफेक्शन तो चाहिए ही, मतलब परफेक्शन के बिना, बट ये बड़ी बात है कि उन्होंने परफेक्शन के साथ गा दिया। सो और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है जो हम अभी रिवील नहीं कर रहे, जल्दी आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि बंगाल की धरती से हैं, कोलकाता से हैं, और कहते हैं कि कोलकाता के जो म्यूज़िक से जुड़े लोग हैं, संगीत उनके नस नस में रहता है। तो एज इट इज़ सेम फ्रेम में इंद्राणी ने बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बनाया है। बहुत ही टैलेंटेड है, एक बहुत शानदार अरेंजर है, शानदार रिकॉर्डिस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात, मैंने गौतम दादा हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही सीनियर रिकॉर्डिस्ट हैं, और आज की देखो आज के संगीत के सितारे हैं जो मीत ब्रॉस, मनमीत, हरमीत, दोनों मेरे बहुत से दोस्त हैं। तो उनके साथ वो कंटिन्यू पिछले 10 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। दादा को बड़े बड़े गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए, तो दादा के साथ गाना भी एक अपने आप में एक प्रिविलेज वाली बात है। म्यूज़िक जो है मेरा पैशन है, तो पैशन के साथ हम काम करते हैं, चैलेंज नहीं लेते। तो अगर अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा, तो अपने लिए अच्छा है। ये सिचुएशन मैंने जो बोला कि एक स्पेशल है, वो मूवी के बीच में आने वाला है। दो वर्जन हो रहा है इसमें, एक एल्बम वाला वर्जन और एक स्पेशल वाला वर्जन जो मूवी के बीच में ही आएगा। वो अभी स्टोरी उन्हें बताना पड़ेगा मुझे, तो इसके लिए मैं नहीं बोलूँ, तो बीच में आएगा मेन वाला जो वर्जन। मुझे बहुत कम मेरे ऐसे संगीत के लोग गाने में थोड़ा मुझे डर लगता है, तो इंद्राणी के साथ मैं जब भी गाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कि बिकॉज शी इज़ वेरी मच, शी ऑलवेज वॉन्ट लॉट ऑफ परफेक्शन, और वो एक भी शब्द पे अगर ऊपर नीचे होगी तो दिक्कत है। और प्लेबैक जब आप करते हैं तो एज एन अ प्लेबैक सिंगर अगर कोई सुर आपके दिमाग में बैठ गया तो फिर उसको ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, क्योंकि 2-3-4 घंटे में गाना करना है, वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अपने काम में मास्टर है तो वो करा लेते हैं। दादा के साथ तो मतलब वो अलग ही एक्सपीरियंस है, उन्हें मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल है कि मैं गौतम दा जैसे सीनियर इंजीनियर के साथ मैंने बाजू में बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए मतलब ब्लेसिंग सी है। इस तपती धूप में तू छाओ जैसा है, मेरे डूबते दिल की तू नाव जैसा है। रिलीज अभी तक तो इसका एक इंटरनेशनल हम लोगों ने प्रीमियर रखा हुआ है, श्रीलंका में है 22 जुलाई को, और 22 जुलाई के बाद जो भी फर्स्ट वीक अगस्त या जैसा भी मिलता है तो हम लोग अगस्त में फिल्म रिलीज हो जाएगी, ये फिक्स है। देखिए दर्शक वर्ग जो जुड़ता है ना, वो सबसे पहले म्यूजिक से जुड़ता है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का जो प्रमोशनल सॉन्ग आ जाता है मार्केट में तो गाना सुनकर ही वो लोग समझ जाते हैं कि मूवी कैसी है, है ना, और एक जुड़ाव का एक जो एक जरिया होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लगेगा और इस कसौटी को पार कर सकता है, तो पसंद आएगा दर्शकों को बहुत ज़्यादा। ये कृष्णन जी मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ अपनी स्क्रिप्ट डिस्कस की थी, उन्होंने बोला कि बहुत काफ़ी समय से वो इसको फिल्म के इस प्लॉट को सहेज रहे थे, उसको एक कहते हैं ना किसी पौधे को पानी देने के जैसे उस तरीके से वो उसको कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये प्लॉट बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा आपने अब तक इस पर बनाई क्यों नहीं, तो भले कुछ सर्कमस्टांसेस और कुछ होता है, माहौल वैसा नहीं बन पाया ना, वो सब्जेक्ट ऐसा था, एक वो होता है ना एक फिल्म का सब्जेक्ट होता है कि एक वो सही वक्त पे बननी चाहिए,
तो उस फिल्म का एक मतलब कुछ और निकलता है। तो बस वो कुछ वक्त का कुछ ऐसा था, तो अभी ये वक्त भी कुछ सिनेमा में ऐसा चल रहा है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और लोगों के से सराहे जा रहे हैं, लोग उनको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, उसको एक हिट भी बना रहे हैं। तो अभी बहुत गोल्डन समय चल रहा है सिनेमा का, बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो उन्होंने अपनी इस फिल्म के इस प्लॉट को, मैंने कहा दुष्यंत जी ये बिल्कुल सही वक्त है, हमें इस पर बनानी चाहिए, और इस तरीके से मैं जुड़ी और ये फिल्म में हाथ और भगवान की दया से कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह सुपर हिट होगी। फिल्म का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से मूवी पूरी शूट हुई है और बहुत अच्छी टाइमिंग पे हो गई है। और जो आज गाना रिलीज़ हो रहा है, अभी जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तू है मेरी दुनिया, बहुत ही सूदिंग और बड़ा बहुत अच्छा गाना है। और इसके देखिए ये गाना ऐसा है जो कि जिसको हम हिट और फ्लॉप की श्रेणी से थोड़ा अलग रख सकते हैं, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स होते हैं जिनका हम जिनको आते ही मार्केट में लगता है ये सुपर हिट होगा, ये सुपर फ्लॉप होगा या कुछ ऐसा, लेकिन ये इतना सूदिंग सॉन्ग है और इतना मतलब मेलोडियस जिसको हम बोल सकते हैं कि आप जब भी सुनेंगे ना बहुत सुकून और रिलैक्स वाला गाना है। तो ये डेफिनेटली है कि ये लोगों को पसंद आएगा, दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वो सुनना पसंद करेंगे इस गाने को। एक तो मुझे पहला सुन के लगा इज ए रोमांटिक सॉन्ग एंड वेरी सॉफ्ट मेलोडी, और गाना सुन के मज़ा आ रहा था, अभी डबिंग का बाद और मज़ा आ रहा है, और इंद्राणी ने बहुत अच्छे से इसको कंपोज किया है और दुष्यंत जी ने आज डबिंग किया, वो भी परफेक्ट है, अभी ऑलरेडी उसने गा लिया है और गाना बहुत खूबसूरत है। फिल्म जब आएगा तब और मज़ा आएगा इसका, और हम लोग वही वेट कर रहे हैं कि फिल्म आए और फिल्म का सिचुएशन के साथ हम लोग गाना देखें, यही वेट करें, लेकिन गाना इज ए वेरी रोमांटिक एंड मेलोडियस सॉन्ग। गाना डेफिनेटली बहुत इनका अपना पैशन है एज अ सिंगर, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है गानों को लेकर कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत परफेक्शन होना चाहिए। इवन जो लिरिक्स हैं, जो साउंड है, कंपोजिशन है, इंद्राणी भट्टाचार्य जो कर रही है वो भी बहुत अच्छा, उनका भी जो म्यूज़िक का नॉलेज है बहुत शानदार है, तो वो भी कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहने दे रही हैं। तो इस तरह से लग रहा है कि इसका म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। दुष्यंत जी और इंद्राणी का तो बहुत दिन से हम लोग काम कर ही रहे हैं उनके साथ, इसलिए ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप है, रिलेशन है बहुत दिन का। उसका साथ जब ये फिल्म का काम आ जाए तो और मज़ा आता है, ऐसे एल्बम तो हम लोग होते ही रहते हैं एल्बम का काम, तो साथ में फिल्म का काम पे और मज़ा आता है। फिल्म में थोड़ा फिल्म का गाना हो तो थोड़ा बड़ा होता है, उसका कंपोजिशन अलग होता है फिल्म का सिचुएशन के हिसाब से, तो इन लोगों के साथ काम करके पहले भी मज़ा है और फिल्म का साथ फिल्म के काम करने में और मज़ा आता है। बस वही म्यूजिक से ही फिल्म पब्लिसिटी स्टार्ट होता है, तो इसलिए फिल्म में तो म्यूजिक का बहुत जरूरी है, हिंदी फिल्म में बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर से जो स्टोरी मुझे सुनाया गया तो एक बेहतरीन, बहुत अलग ही है स्टोरी, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है फिल्म का, 100 बक्स इसे वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और मेरा हिसाब से फिल्म का साथ गाना जुड़ जाएगा और फिल्म भी और बेहतरीन बनेगा, और पब्लिसिटी के लिए गाना चाहिए तो हिंदी फिल्म के लिए, तो बस आशा करता हूँ कि जल्दी आए फिल्म और गाना भी हिट हो जाए और फिल्म भी अच्छा चले।